गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टू के लिए मैथ पेज नंबर 56 में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे। पेज नंबर 58 में नंबर ए, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 32 बॉयज इन ए क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। अब इस नंबर को यहाँ पर ला के हम टेंस और वंस, यहाँ लिखा हुआ है 25 यहाँ लिखेंगे और 32 यहाँ लिखेंगे। 25 गर्ल्स 32 बॉयज टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 527 और 235 यानी 57 टोटल हो जाएगा। इस आंसर को उठा करके हम यहाँ पर लिख देंगे 57। इस प्रकार नंबर बी में इन ऑल इन एन और चार्ट देयर आर 82 मैंगो ट्रीज एंड 40 एप्पल ट्रीज, हाउ मैनी दीज आर देयर इन ऑल ट्रीज आर देयर इन ऑल। फिर हम यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड में यहाँ नंबर लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे। चलते हैं सी में, इन ए गार्डन देयर आर 140 रोज प्लांट्स एंड 52 जैस्मिन प्लांट्स, हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन ऑल। इसको भी इसी प्रकार यहाँ पे बनाना है, ऐड करके जो आंसर आएगा इसको यहाँ लिख देना है। नंबर डी में इन ए किचन देयर आर 90 स्पून्स एंड 40 ग्लासेज, हाउ मैनी यूटेंसिल आर देयर इन ऑल। इसको भी इसी प्रकार बनाना है, ऐड करके यहाँ आंसर लिख देना है। इन ए सोप देयर आर 65 येलो काइट्स एंड 30 ब्लू काइट्स, हाउ मैनी काइट्स आर देयर इन ऑल। इसे भी इसी प्रकार बनाना है। पेज नंबर 59 में इन ए पार्क देयर आर 75 वुमेन 80 मेन एंड 30 चिल्ड्रेन, हाउ मैनी पीपुल आर देयर इन ऑल। पहले इस नंबर को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ऐड करके यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ए शॉपकीपर सोल्ड 120 बोटल्स ऑफ पेप्सी 80 बोटल्स ऑफ थम्सअप, हाउ मैनी बोटल्स डिड ही सेल इन ऑल। इन ए लाइब्रेरी देयर आर 300 मैथ्स बुक 250 इंग्लिश बुक्स, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन ऑल। चलते हैं यहाँ पे रनिंग सम्स, विच ग्रुप्स ऑफ नंबर इज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन नंबरों में कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है बढ़ते क्रम। नंबर बी में हम टिक लगाएंगे। इस प्रकार आपका यहाँ 58 से 59 पेज नंबर कॉपी में बनाना है और इसे याद करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर 5 अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट अफर्म्स समथिंग टू बी ट्रू। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम जो भी वाक्य बोलते हैं या कहते हैं या लिखते जो भी है वो ट्रू होता है यानी सत्य होता है, और जो दृढ़ता पूर्वक हम ये बताते हैं कि यही सत्य है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है सी ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क, यानी वह ठंडा दूध पीती है। ही इज़ वर्किंग, वह कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, हम पूरी दृढ़ता के साथ ये कह रहे हैं कि नहीं वो ये कार्य कर रहा है, या ये जो भी निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। ए निगेटिव सेंटेंस कंटेन्स ए निगेटिव वर्ड नो और नॉट, इट टेल्स दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और नॉट हैपनिंग। नकारात्मक वाक्य जो है उसमें जो होता है एक निगेटिव वर्ड ऐड होता है और जो ये हमें बताता है कि ये कार्य नहीं हुआ है
या ये सत्य नहीं है। एग्जाम्पल, सी डज नॉट ड्रिंक कोल्ड मिल्क, यानी वो ठंडा दूध नहीं पीती है, और ही इज नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आप यहाँ देखो, एक साइड में अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, दूसरी साइड में निगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, तो यहाँ निगेटिव उसका क्या बना, आई डू नॉट लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स। आप देखोगे ये निगेटिव वर्ड जो है नॉट, उसके पहले भी डू एक वर्ब है और बाद में लाइक ये भी एक वर्ब है, तो निगेटिव वर्ड के पहले और बाद दोनों साइड में जो होता है वो वर्ब को रखा जाता है उसमें। इन ऑल द सेंटेंसेज गिवन अबव, जितने भी सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं, द वर्ब कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वर्ब की दो शब्द यहाँ पे क्लूड रहते हैं, शामिल रहते हैं, और निगेटिव वर्ड जो है उस वर्ड दोनों वर्ड्स के बीच में होता है। यहाँ एक्सरसाइज दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इन टू नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, उनको आपको चेंज करके क्या बनाना है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है। रानी इज लिविंग फॉर मैसूर ऑन मंडे, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, रानी इज़ नॉट लिविंग फॉर मैसूर ऑन मंडे। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग निगेटिव सेंटेंसेज इन टू अफर्मेटिव सेंटेंसेज, यहाँ निगेटिव सेंटेंस देना है, दिया हुआ है, उसको हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ जो हम लोग का नॉट जो दिया गया है उसको हम लोग हटा देंगे इसमें से, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मीनू इज़ नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, तो हम इसको क्या बनाएंगे, मीनू इज़ गोइंग टू वॉच मूवी। नेक्स्ट, उसी तरह दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन बस, दे आर डिपेंडिंग ऑन बस। इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है हमें। थैंक यू, नेक्स्ट अगले क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कक्षा दो के लिए है और पाठ पाँच है, इसके अंतर्गत लिंग आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। तो आप पहले तो आप ये जान लीजिए इसकी परिभाषा, लिंग की परिभाषा है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे पिता, पिता पुल्लिंग शब्द हो गया, और माता ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसी तरह शेर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और शेरनी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, शेर और शेरनी ये स्त्रीलिंग। अब धोबी और धोबिन कपड़े धो रहे हैं। दो नंबर, रीना और मीना गुड्डे गुड़िया से खेल रही हैं। तीन, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, किसान गाय और बैल को चारा खिला रहा है। आपने देखा इन वाक्यों में धोबी, गुड्डे, मोर व बैल, इसमें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, धोबी, गुड्डे, मोर और बैल ये पुरुष जाति के शब्द हैं, और धोबिन, गुड़िया, मोरनी व गाय ये शब्द स्त्री जाति के हैं। तो ये स्त्रीलिंग हो गए, और धोबी, गुड्डे, मोर और बैल ये पुल्लिंग हो गए। अब देखेंगे हम लोग लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर, इसमें लिंग के दो भेद होते हैं। एक पुल्लिंग, पुल्लिंग के में उदाहरण जैसे मामा, शेर, माली आदि। दो, स्त्रीलिंग, मामी, शेरनी, मालिन आदि। अब आइए हम लोग पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आदमी, हाथी, बकरा, माली आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे औरत, हथनी, बकरी, मालिन आदि। यानी जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, और
जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो पुल्लिंग के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, शेर है, घोड़ा है, चूहा है, मुर्गा है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, शेरनी है, घोड़ी है, चूहिया है और मुर्गी है। अब नीचे लिखे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों को भी पढ़िए। ये एक टेबल दिया गया है, ये एक सारणी है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का संग्रह है। आप ध्यानपूर्वक इसको घर पर अध्ययन कीजिएगा और 10 पुल्लिंग शब्द और 10 स्त्रीलिंग शब्द आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और साथ ही आप जैसे इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न हैं और लिखित प्रश्न हैं, इनके लिए आपको विद्यालय से नोट्स प्राप्त हो जाएंगे जिसमें इनका उत्तर लिखित और ओरल दोनों का उत्तर रहेगा। आप विद्यालय से प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।